हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्वीर है। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं इमरान खान को वजीर आज़म की कुर्सी वापस करो, 6 साल का बच्चा कप्तान का बड़ा फ़ैन। इस वीडियो को तो देखना पड़ेगा, ये अभी 2-3 दिन पहले की है। एक बच्चा नज़र आ रहा है इसमें, उसका कुछ शायद इंटरव्यू है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। ये शायद अभी जो लाहौर में हॉकी ग्राउंड में जो जलसा हुआ था वहाँ पर शायद ये मशहूर हो गए थे किसी बात को लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को, देखते हैं क्या है इस बच्चे की कहानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव बच्चे का 6 ईयर्स का है माशाल्लाह और 2 क्लास में आज ही प्रमोट हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद है। उनके अगर आप देखें तो आपको पता बासानी लग जाएगा कि वो PTI के लवर है, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। तमाम तफसीलात जानेंगे जिंदगी में क्या चल रहा है, यूट्यूब चैनल भी है इनका यूट्यूब का एक, उसके बारे में भी जानेंगे कहाँ से इतनी हुकूमती बातें और हुकूमती राय कायम की। 6 साल का बच्चा और उसको तमाम तर नॉलेज है कि कौन मुनहरिफ हुआ और हुकूमत में चल क्या रहा है, कौन सी सियासी पार्टी क्या किरदार निभा रही है। अच्छा, इसको बड़ा इंटरेस्ट है यार। सबसे पहले वेलकम करते हैं जी और उसके बाद करेंगे बातों का आगाज। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बिल्कुल ठीक हैं? 2 क्लास में प्रमोट हो गए आप, क्यूट लग रहा है। तो कैसी जा रही है लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। ओरिएंटेशन डे था आपका आज? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 6 साल के आप हो बस माशाल्लाह से, और इतना सारा कैसे बोल लेते हैं? घर में किससे बातें करते हैं सियासत के हवाले से? सियासत, ये सच सियासती बच्चा तो इमरान खान ने सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मैं 6 साल का बच्चा हूँ, सिर्फ मैं अकेला 6 साल का बच्चा नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं और मेरी तरह बहुत सारे बच्चे और भी हैं, लेकिन उन सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने अवेयरनेस दी है। अगर उन्हें अवेयरनेस इमरान खान ने ना दी होती तो किसने अवेयरनेस दी होती बच्चों को? इमरान खान ने नहीं दी है। कौम का ये कहना है कि हमें अवेयरनेस दी, हमें बताया, और आप देख सकते हैं किस कदर उन्होंने अवेयरनेस दी कि 6 साल का बच्चा जो है वो बता रहा है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं कि स्कूल में भी बातें करते हैं आप इसकी पॉलिटिक्स की, बस घर में करते हैं या फिर आप जलसे पे जाते हैं तब बातें करते हैं? घर और जलसे में। घर और जलसे में। घर में कौन सपोर्ट करता है इमरान खान साहब को? पूरा घर ही सपोर्ट करता है। पूरा घर सपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादा मामा पापा दोनों PTI। प्यारा बच्चा है यार जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुनहरिफ अराकीन कौन है? मुनहरिफ अराकीन, ओ लोटों की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि लोटा इनको कहते क्यों हैं, क्यों कहना शुरू कर दिया? इंसान है, चलते फिरते हमारी तरह, जो अपनी पार्टी से गद्दारी करेगा हम उन सब को गद्दारी कर दी पार्टी के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी कर दी, अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए? हार तो ये गए हैं, बस यू आर सेटिस्फाइड विद दैट? हार से अभी हमें चाहिए कि ये अपनी सीट यानी वजीर आजम की सीट हमें दे, हम उसके बाद चैन लेंगे। तो वो वजीर आजम की सीट पे आप उसको बिठाना चाहते हैं? सिर्फ इमरान खान ओनली, द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली। मुझे ये बताओ कि PTI पसंद है कि सिर्फ इमरान खान साहब पसंद है? अगर इमरान खान साहब अपनी कोई अलग पार्टी बना के उसको कुछ और नाम रख लें तो आप उस पार्टी को पसंद करोगे? मैं मुझे पूरी PTI और खान साहब पसंद है। अच्छा, खान साहब के साथ बाकी सारे भी लोग पसंद है जी? कोई एक ऐसा इंसान जो आपको जरा बेहतर नहीं लगता, आप कहते ये नहीं होना चाहिए था PTI में, ये तो किसी दूसरी जमात में होना चाहिए? वो जो लोटे बन चुके हैं ना अभी, वो पहले से ही दूसरी जमात में। पहले से आपको कभी आइडिया था कि आगे जाके ऐसे बदल जाएंगे और अपनी जमीन बेच देंगे? मैं कोई फ्यूचर देखने वाला बाबा नहीं हूँ, इसलिए अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी के बारे में, हमारी मौत कब होगी, हमारी हमारा फ्यूचर में हम पैदा कब होंगे और हमारे फ्यूचर में हम मरेंगे कब, ये सब तो अल्लाह को पता है। हमें तो नहीं पता था, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला सजा भी जरूर देंगे, गद्दारी बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो गद्दारी जो है वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात आपको लगती क्या है? एब्सोल्युटली नॉट, ये वाली लाइन सबसे अच्छी लगती है। बिकॉज़ एब्सोल्युटली नॉट इज एब्सोल्युटली राइट।
ये तो ठीक है, absolutely right है जी, absolutely not. मुझे ये बताएं कि मुझे इससे मुंसलिक आपने बात किया बताने right कि इमरान खान साहब ने कहा कभी ये, किसको कहा, क्या स्टोरी क्या थी कि सब जो है यही नारा लगाते हुए नजर आए. नो नो, अच्छा हुआ ये था कि एक आया था अंग्रेज, एक इंग्लिश मैन आया था, तो उन्होंने सवाल किया क्या आप अमेरिका को अपना अपना कोई जेट पैक वगैरह कोई चीज़ देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अड्डे, अड्डे लगता है कि ये कहने की वजह से इमरान खान साहब को सियासत से निकाला गया है, क्योंकि कहा जा रहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब को इसीलिए निकाला गया. क्या लगता है? ये सब डॉलर के खेल हैं, ये सब डॉलर के खेल हैं, क्योंकि इनके पास आ रहे डॉलर और डॉलर बिलोंग्स टू अमेरिका. तो फिर अगर अमेरिका के डॉलर हैं तो फिर मतलब ये अगर अमेरिका, तो फिर उन्होंने अमेरिका को ही तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था. सही कहा. तो यस, तो उन्होंने तो उन्हें चढ़ गया, चढ़ी हुई है कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया. चढ़ी ना ये चढ़ी हुई है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को क्यों कहा. वाकई कि उनको क्यों कह दिया, इनको कह कैसे सकते हैं, ये मतलब है आपका. अच्छा मुझे ये बताओ कि इमरान खान साहब का कोई डायलॉग, जैसे आप हर जलसे पे जाते हो, क्या बात जो है बेहतरीन लगती है, कभी उन्होंने कोई बात की हो और आपको बड़ा याद रही हो? मेरे पाकिस्तान. अच्छा लगता है आपको ये कहना मेरे पाकिस्तानी है, तो आप इमरान खान साहब मेरे पाकिस्तानी हो, ऐसे ही बोलते हैं. इतना खुश होकर बोल रहे हैं इमरान खान साहब के ये पाकिस्तानी है. मुझे ये बताएं कि एज अ क्रिकेटर पसंद थे आपको इमरान खान साहब, कितने पसंद थे? बहुत ही है. वैसे मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने उनकी वीडियोस कुछ देखी तब मैंने आई वाज इम्प्रेस्ड विद इमरान खान, कि पता नहीं यार ये इतने अच्छे क्रिकेटर थे. पहले मैं नाम सुना कि वो एक क्रिकेटर थे, फिर जब मैंने उनके कुछ छोटी मोटी वीडियोस देखी तब मैं उनका वो क्रिकेटर नहीं, वो क्रिकेट दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर है, सिर्फ क्रिकेटर नहीं दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर. और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को इनकी सीट इन भगोड़ों से और इन जालिमों से और इन अमेरिका के गुलामों से हम छीनेंगे. ये खुद नहीं देंगे तो फिर हमें छीनना पड़ेगा इनसे. तो इमरान खान साहब के लिए आप छीनेंगे उनकी सीट? हाँ जी. अच्छा और सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तानी भी छीनेंगे. पूरे पाकिस्तानी जी छीनेंगे. मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को ना हेल कर दिया और उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? निकलेगी अवाम के साथ, मैं भी निकलूंगा इनकी ऐसी तैसी नाइल, ये होते कौन है नाइल करने वाले? अल्लाह नाइल करेगा, अल्लाह चाहे तो कुछ भी करे. यार तुम लोगों के पास पाकिस्तान के वजीर आजम की सीट आ गई तो फिर तुम लोगों ने पता नहीं उस सीट को फाड़ दिया, नोच नोच के पहले उस सीट को फाड़ा, फिर पाकिस्तान को नोच नोच के फाड़ा, सभी तबाह कर दिया. कुछ टाइम बाद रुपए की हो गई नहीं, रुपए नाम की करेंसी हो गई नहीं इस मुल्क में. अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं फिर होगी? हाँ जी, अगर ऐसे ही ये अमेरिका के गुलाम हमारे ऊपर चलते रहे ना, तो फिर इन एक दिन अल्लाह ना करे, एक दिन अल्लाह ना करे कि रुपए की पूरे दुनिया में वैल्यू हो गई नहीं, मतलब रुपए की करेंसी खत्म हो जाएगी. रुपए जो है फिर रुपए होगी, रुपए का नाम और निशान इस दुनिया से. खुदा ना खास्ता जो है मुल्क की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है. अच्छा मुझे ये बताएं, मैं पॉलिटिशियंस के नाम लूँगी और आपके जहन में जो फ़ौरन से वर्ड आएगा ना आपने वो बताना, या लाइन बोलना, ठीक है? डन. सबसे पहले नवाज शरीफ साहब. शहबाज शरीफ साहब. चेला. अच्छा ये आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो नवाज शरीफ के ऑर्डर्स ले रहा है और वो ही ऑर्डर्स चला रहा है पाकिस्तान. तो अफवाहें तो ये भी सुनने में आई थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा ले, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बनना है, इलेक्शन नहीं अभी. सब झूठ है, इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं,
क्या इनके दिमाग में भी आएगा कि इलेक्शन करवाएं? इनके दिमाग में भी नहीं आएगा कि इलेक्शन करवाना है हमने, दिमाग में भी नहीं। तो ये ड्रामे हो रहे हैं सब, ऊपर ऊपर से सब ड्रामे, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं जी। मरियम नवाज जी कैसे लगती हैं आप? मरियम नवाज, उसका तो हम शुक्र अदा करते हैं, उसकी अगर वो ना होती तो फिर नूली का बेड़ा गर्क कौन करता। थैंक यू मरियम नवाज। आपको लगता है मरियम नवाज ने बेड़ा गर्क किया? बड़ी यार इसकी टांग खींच रहा है, क्योंकि मरियम नवाज ने आधी से ज्यादा साइड को पीटीआई की ली है। अच्छा, पीटीआई की साइड लेती है लाइल्मी में। अच्छा, मुझे ये बताया कि अगर किसी दिन वजीर आजम मरियम नवाज बन जाए, आपको आप सुबह उठ के देखो और उसके बाद जो टीवी पे लगाओ कि मुल्क की वजीर आजम जो है मरियम नवाज बन गई है, तो कैसा लगेगा आपको? अगर हो गया, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? ये होगा ही नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह सच के साथ है, मतलब सच के साथ है, इमरान खान ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं। हमजा शहबाज के बारे में बताइए जी, क्या कहेंगे? हमजा कुकड़ी, उस पर तो हमके तर्स आता है, शेरवानी पहनी फिर उतर गई, फिर शेरवानी पहनी फिर उतर गई, शेरवानी पहनी फिर उतर गई। अच्छा, कुकड़ू कुकड़ू क्यों रखा हुआ है नाम जी, मुझे बताएं जरा, पता है आपको बैकग्राउंड स्टोरी है क्या ये? क्योंकि हमजा कुकड़ी है, कुकड़ी। अच्छा, मुझे अब आपने बताना है जरदारी साहब, सबके नाम, सबसे बड़ी बीमारी। ये बीमारी क्यों कह रहे हैं भाई? उन्होंने तो, वो बेचारे आराम से सिंध में बैठे हुए हैं, किसी को कोई तंग नहीं करे, उनको क्यों बीमारी कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी फैलाई है। कौन सी? हमजा शहबाज। अच्छा, हमजा शहबाज को जरदारी लेके आए थे, वो बीमारी है। बड़ी आपको अंदरूनी खबरें जो है आपके पास मौजूद है। हाँ यार, इसको यार इतनी डिटेल में सब पता है। लावल भुट्टो, वो उसकी तो वैसे ही काम पे टांग जाती है। काम पे टांगते टांगते अगर वो वजीर आजम भी बन गए फिर कहाँ पे? ना 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 यार। अच्छा, इस इनके वजीर आजम ना बनने पे बड़ा एक हैप्पी सा रिएक्शन आपका आया है कि ना ना ना, और बड़े आप खुश हुए हैं। नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, हंसी आती है आपको इनके नाम से? हज, मतलब उसके नाम से अगर भुट्टो हटा दो, उसकी तो हमेशा ही काम पे टांग जाएंगी। एक बार आप कैमरा नीचे करेंगे, ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। मुझे अब्दुल्ला ये आपको बता रहे हैं कि आपको इमरान खान साहब पसंद क्यों है? क्योंकि वो ईमानदार हैं, आशिक रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सच्चे हैं और बहादुर हैं, और बादशाहों की महफिल में गरीबों की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है किस तरीके से बेहतरी लेके आए? क्योंकि जैसे दूसरी जमाते कहती है हमने तो पुल बना दिए, हमने तो सड़कें बना दी, तो इमरान खान साहब ने क्या किया मुल्क के लिए, क्या किया आप मुझे ये बताएं? इमरान खान साहब ने गरीबों के लिए पनाहगाहें बनाई हैं, उन्होंने लंगर खाने बनाए हैं, और उन्होंने सब, और उन्होंने सेहत कार्ड बनाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यूएन में एंटी इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर करवाया था। और आपको पता है इस दिन में पूरी दुनिया मनाती है एंटी इस्लामोफोबिया डे। एंटी इस्लामोफोबिया डे में एक ऐसा मैसेज दिया जाता है सबको कि इस्लाम का मतलब पीस है, इस्लाम का मतलब पीस है। और ये वाकई बड़ा कारनामा था, क्योंकि जब भी नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो हमारे दिल दुखते हैं अगर कोई भी बेहुरमती की जाती है। और आज़ादी राय दही के ऊपर आप किसी के जज्बात को मजरूह नहीं कर सकते, ये डिक्लेयर करना, ये मनवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब के बारे में हर एक इंसान जो है वो सेंसिटिव होता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं जी, क्या कहेंगे जाकर मुलाकात करें? मैं उन्हें आई लव यू कहूँगा, और मैं उन्हें ये कहूँगा कि खान साहब हम डट के खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा, आपने बड़े होकर बनना क्या है? पॉलिटिशियन बनना है, इसको तभी इतना इंटरेस्ट है। तो आपको लगता है कि आप बेहतर सर्व कर सकते हो, क्या क्या करोगे फिर पाकिस्तानियों के लिए? मैं पाकिस्तानियों के लिए कहूँगा कि मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट,
पहले सीट देंगे, सीट देंगे, अल्लाह ताला उनको इतनी लंबी उम्र दें। मुझे ये बताएं कि करेंगे क्या क्या, मतलब सस्ते कर देंगे चीज़ें, लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे, आपने करना क्या है, मतलब आवाम के लिए क्या करेंगे? मैं ये सब करूँगा और मैं आपको ना एक ना मज़े का बॉन्ड बताता हूँ कि जो नू लीग है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और जो पीटीआई है वो अवाम के बच्चों के लिए सब कुछ करती है। क्या बात कह दी, अवाम के लिए करती है, यूथ के लिए करते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने तो प्लांटेशन को बड़ा फरोग दिया। आप सजरकारी में हिस्सा लेते हो, कभी प्लांट लगाया नहीं लगा? लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी उम्र जब मेरी बड़ी उम्र होगी मैं जरूर लगाऊंगा। बड़ी उम्र होगी तो आपको अभी से शुरू नहीं करना चाहिए प्लांट लगाना? शुरू करूंगा जरूर, मैं अभी से भी शुरू करूंगा अगर मुझे मौका मिले। अगर मौका मिला। अच्छा मुझे बताएं कि क्या चाहते हैं कि इमरान खान मतलब साहब जो है बच्चों के लिए क्या ऐसा करें जिससे आप बड़े खुश होते हैं और बाकी सारी जो बच्चे हैं वो भी बड़ा खुश हो जाए, क्योंकि यूथ के लिए किया, मुसाफिरों के लिए किया, बहुत काम किए, फलाही काम किए, जो खाना जो नई मुश्किल था उनके लिए अफोर्ड करना, उनके लिए सॉफ्ट किचन भी चलाए, बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब क्या करें? बच्चों के लिए इमरान खान साहब जो तालीम है, तालीम वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्ट है। तालीम है जॉब मिलती है, तालीम है बंगला मिलता है, तालीम है गाड़ी मिलती है, तालीम है आपको वो आप बड़ी से बड़ी जॉब ले सकते हो, गूगल की भी जॉब ले सकते हो, तो फिर आपको इसके लिए तालीम चाहिए होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चों के लिए भी और बड़े बड़े मुझसे भी बड़े बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया जाए इस मुल्क में और तालीम जो है वो फ्री की जाए या कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो बच्चे हैं हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके। मैसेज क्या देंगे इमरान खान साहब को लास्ट में? खान साहब हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ डट के खड़े हैं और आप हमारे दिलों में रहते हैं, आपका घर हमारे दिलों में है, ठीक है, और हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सिर्फ मैं नहीं पूरी आवाम आपको सपोर्ट करती है, पूरी आवाम नहीं सॉरी ये हमसे क्या नहीं किया, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करती है और चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन ये थे अब्दुल्ला और इमरान खान से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके पास अपनी लॉजिकल रीजंस हैं कि क्यों वो मोहब्बत करते हैं और उनका ये भी क्लेम है कि इमरान खान साहब ने उनको शऊर दिया और ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी तरह बहुत से और बच्चों को भी शऊर दिया। 6 साल का बच्चा इस कदर किस तरह बाखबर है हमारे मुल्क की सियासत से और क्या चल रहा है इस हवाले से, ये एक वाकई बड़ी मतलब अच्छी बात है कि किस तरीके से मुल्क का बच्चा बच्चा जो है मुल्क की फलाह बहबूद के लिए सोच रहा है और काम भी करना चाहता है। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपके बच्चे किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स में इतना कुछ जानता है बंदा यार, छोटा सा बच्चा एक मासूम था, कितना क्यूट लग रहा था, बोलने में अटक भी रहा था, झिझक भी रहा था, लेकिन बखूबी इसको नॉलेज है एक एक चीज़ की, किसका क्या नाम है अपोजिट पार्टी में, मतलब कौन मुर्गा है कौन कुकड़ी है, सब कुछ पता है इस बच्चे को और इसको पता भी आगे चल के क्या होना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है सब मालूम है भाई इसको, और बनना भी पॉलिटिशियन है भाई इसको और ये बन जाएगा, बड़ा होकर बन जाएगा। सबसे बढ़िया बात साफ दिल से कर रहा है सारी चीज़ें, मासूम दिल से कर रहा है क्योंकि 6 साल का बच्चा है, भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले लेकिन है तो मासूम और छोटा सा बच्चा ना, उसका दिल अभी ऐसे ही है साफ सा। तो अपने प्लान्स भी बताए इसने कि आगे क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों के लिए क्या चीज़ें क्या कदम उठाने चाहिए, इसने ये भी बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, इसने ये भी बोला कि मैं अगर गवर्नमेंट में आ जाऊँ तो इमरान खान को सीट दे दूँगा, बहुत कुछ बोला भाई इसने, इतना प्यार करता है बच्चा, इतना प्यार करता है मतलब पीटीआई इमरान खान से, इमरान खान की वजह से पीटीआई में लोटो वोटो की सारी धज्जियाँ उड़ा दी इसने, सबकी खिंचाई करी है इसने, बिलावल भुट्टो हो चाहे और मरियम नवाज़ हो सबकी खिंचाई कर डाली, इतनी नॉलेज है इस बच्चे को, इतना इंटरेस्ट है, मतलब इस छोटी सी उम्र में कौन सोचता है, खेलो कूदो मौज लो खाओ पियो स्कूल जाओ पढ़ो इन चीज़ों में लगे रहते हैं बच्चे, लेकिन इसको यार पूरा डीपली गुस्सा हुआ है ये पूरा का पूरा, मज़ा आया इसकी बातों को सुनकर, अच्छा लग रहा था। तो मज़ेदार इंटरव्यू, मज़ेदार बातें थी इस बच्चे की, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये आपको इंटरव्यू, ये बच्चा, ये हमारा वीडियो, मेरा रिएक्शन, सब कुछ बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।